नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, जो आप देख पा रहे हैं ये मिली बग है और ये गुड़हल के पौधे पे बहुत ज़्यादा अटैक करता है। इसके अलावा हमारे गार्डन में काफ़ी सारे पौधों पे इसका अटैक है, बैगन में, भिंडी में। तो इन्हें हमें मिनटों में दूर करना है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहेगा। मैं वीडियो में बताऊँगा आपको सबसे आसान तरीका जिससे कि आप इसे अपने गार्डन से हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं और वो भी बिना ज़्यादा टाइम लिए। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। मैं पूरी चीज़ें डिटेल वाइज आपको बताऊंगा और करके भी दिखाऊंगा और इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा वीडियो में आखिर में आपको कि इससे दूर हो रहा है मिलीबग एक्चुअली में या नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो दोस्तों। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, जो मिलीबग है इसके दो रीज़न होते हैं आने के। एक तो गुड़हल के पौधे पे सबसे ज़्यादा मिलीबग का अटैक देखा जाता है। कहीं भी किसी भी जगह पर आप गुड़हल का पौधा देखिए, इस समय लगभग उसमें सभी में मिलीबग आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी जो वाहक होती हैं वो चींटियाँ होती हैं। चींटियाँ हमारी मिट्टी में होती हैं और मिट्टी से पौधों पे आती हैं। जो इसका लार्वा होता है, चिपचिपा होता है ये, तो वो आती हैं और इन्हें खाती हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं। तो उनके साथ उनके पैरों में अंडे जो लग जाते हैं वो चली जाते हैं दूसरी जगह और वहाँ पर फिर ये बढ़ जाते हैं, पनप जाते हैं। तो दो चीज़ें हैं, पहले तो चींटियों को जो है अपने गार्डन से दूर रखना है, दूसरा इनका जो सफाया है अगर इन्हें साफ़ कर देंगे हम तो चींटियाँ भी इनके साथ साथ चली जाती हैं, क्योंकि फिर उन्हें पौधों पे कुछ मिलता नहीं है तो वो चली जाती हैं चींटियाँ खुद ब खुद। तो इनके लिए हमें करना क्या है, बहुत ही सरल उपाय है, मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए, हमें चाहिए एक इनो और साथ में कोई लिक्विड सोप, डिटर्जेंट, जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो, और एक इस प्रकार का स्प्रेयर बोतल जिसमें हम इसे भर के इस पर स्प्रे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने पानी ले लिया है, ये ले लिया है लिक्विड डिटर्जेंट, सोप, हैंड वॉश है हमारा ये डिटॉल का, साथ में एक इनो और एक स्प्रेयर बोतल। अब हमें बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान तरीका, हमें करना क्या है, हमने इस बोतल में पानी को भर लेना है। करीब हम एक लीटर पानी डाल लेंगे, क्योंकि और भी पौधों पे लगा हुआ है तो हम सभी पे छिड़काव करेंगे इसका। और ये मिलीबग जो होता है दोस्तों बहुत तेज़ मल्टीप्लाई होता है, अपने आप को बहुत तेज़ मल्टीप्लाई करता है। इनके जो अंडे होते हैं बहुत ही फास्ट ग्रो होते हैं। तो एक लीटर पानी में हमने करीब करीब 5 ml डिटर्जेंट को यूज करना है। इनकी जो ऊपर की चमड़ी होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो जब डिटर्जेंट हम यूज करते हैं और ये एसिडिक हम इनो यूज करते हैं तो उनकी ऊपर की जो परत होती है वही उन्हें प्रिवेंट करती है धूप से, तो वो फट जाती है, फिर ये मर जाते हैं पौधे, ये धूप बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो हमें आधा पैकेट, आप देख पा रहे होंगे, ये आधा पैकेट इनो इसमें हमें पानी में डाल लेना है। आधा पैकेट हम बचा लेंगे। तो इनो डाल के हमने बंद कर लिया। अब इसे हम हल्के से अच्छे से सेक कर लेंगे ताकि जो लिक्विड डिटर्जेंट है और जो इनो है अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए। तो देखिए, हमने अच्छे से सेक कर लिया है और सारा मिक्स हो चुका है। अब हम इसे अपने पौधे पे जहाँ मिलीबग का अटैक हुआ वहाँ स्प्रे करेंगे। तो दोस्तों, ये दिख रहा है आपको, ये जो गुड़हल के पौधे पे हमारे मिलीबग का अटैक है इस पर हमने स्प्रे करना है। तो दोस्तों, हमने इस प्रकार से देखिए इस पर सभी पत्तों पे ऊपर नीचे चारों तरफ जहाँ जहाँ भी अटैक है इसका अच्छे से हमने स्प्रे कर देना है। और मैं स्प्रे करने के बाद आपको क्लोजअप में सीन दिखाऊंगा कि क्या इसका जो रिएक्शन हो रहा है। मैं पहले सभी जगह स्प्रे कर दूं जहाँ जहाँ भी ये हैं मिलीबग्स। तो दोस्तों, ये देखिए स्प्रे करने के बाद का रिजल्ट है अभी तत्काल का, इसमें देख सकते हैं आप लगभग सारे मिलीबग्स यहाँ से नीचे चले गए हैं। कुछ जो बचे रह गए हैं वो थोड़ी देर बाद, अभी जब उनका असर बढ़ेगा तो मैं दिखाऊं, पूरा पौधा मेरा मिलीबग्स के अटैक से भरा हुआ था और इस पौधे पे आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर मिलीबग्स नीचे गिर गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ क्लोजअप में, ये देखिए ये नीचे गिर गए हैं सारे मिलीबग्स, कुछ पत्तों पे कहीं गिर के अटके हुए हैं। तो ये देखिए, ये मिलीबग्स जो हैं ये पूरी तरह से डेड हो चुके हैं। अभी जो बचे हुए हैं इसको मैं अगला अपडेट करीब 2 घंटे बाद का दिखाऊंगा आपको कि क्या इस पर रिएक्शन है।
तो मिलते हैं दोस्तों 2 घंटे बाद। तो दोस्तों ये अपडेट देख पा रहे हैं आप इस मिलीवक्स का, करीब करीब 6 से 7 घंटे हो चुके हैं और जो ये ब्रांचेस पूरी तरह से मिलीवक्स से भरी हुई थी, आप देख पा रहे हैं करीब 80 से 90% मिलीवक्स गायब हो गए हैं। थोड़े बहुत जो बचे रह गए हैं इन पे हम दोबारा से एक बार फिर से वही ट्रीटमेंट करेंगे और ये जो थोड़े बहुत बचे रह गए ये भी सिर्फ नाम के लिए रह गए हैं। अब देखिए ये सिर्फ छूने मात्र से ये गिर जा रहे हैं, ये देखिए। तो मैं आपको पूरे पौधे को दिखाता हूँ, तो किसी भी ब्रांच पे आपको इसमें अब मिलीबग देखने को नहीं मिलेंगे। एक आधे जो कहीं होंगे वो सिर्फ छूने मात्र से, पूरी तरह से डेड समझ लीजिए उन्हें, छूने मात्र से वो गिर जा रहे हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही कारगर और बहुत ही असरदार तरीका है। ये देखिए छोटी सी कली आ रही थी और मिलीबग की वजह से देखिए ये पीली पड़ने लग गई, इतनी छोटी सी कली है। तो ये मिलीबग का प्रकोप पौधे को ऊपर से जहाँ से इसकी ग्रोइंग टिप होती है वहीं से इसको सुखाना शुरू करता है, सारे रस ये चूस जाते हैं तो पौधा जो है वहाँ से डैमेज हो जाता है। तो इस प्रकार अगर आप मिलीबग से परेशान हैं और सारे उपाय करने के बाद भी आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो आप ये नुस्खा अपना सकते हैं और बहुत ही आसान है यूज करना इसको, तो आप भी अपने यहाँ यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई सुझाव हो, कोई आइडिया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।